और इसी बीच ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा के पारस हॉस्पिटल की, जिसे सील किया जा रहा है। जी हाँ, 5 मिनट में 22 मौतों वाले वायरल वीडियो के बाद जिस तरह से पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आया, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने में संज्ञान लेने के बाद सील की कार्रवाई का आदेश सामने आने के बाद, ये देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने, पारस हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। सील करने से पहले इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज थे उन्हें दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में ये देखिए सील करने का पूरा प्रोसेस इस समय वहां पर चल रहा है। मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है, तमाम कैमरे वहां पर मौजूद हैं। आगरा का पारस अस्पताल, जिसके संचालक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो 5 मिनट में 22 मौतों का जिक्र करते नजर आए थे कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी गई थी, जिसके बाद 74 में से 22 मरीजों की जान चली गई थी, जिसे बाद में उन्होंने मॉक ड्रिल कहते हुए सफाई पेश करने की भी कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया, संचालक की पारस हॉस्पिटल की मुश्किलें बढ़ती गई, और आज आलम ये कि पारस हॉस्पिटल पर ताला लगा दिया गया है, इसे सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जब ये पूरा मामला पहुंचा, उन्होंने तुरंत इस मामले में अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हुए इसे सील करने के आदेश जारी किए, और उसी आदेश के मुताबिक पारस हॉस्पिटल सील हो गया है। हालांकि संचालक डॉक्टर जैन की तरफ से बाद में सफाई आई थी कि उन्होंने उस वायरल वीडियो में क्या कुछ कहा था, लेकिन वो गले नहीं उतर रही थी। नियमानुसार जो कार्रवाई होगी प्रशासन उसको अमल में लाएगा। अस्पताल के लाइसेंस पर सर किस तरह की कार्रवाई की गई है? अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया गया है और समस्त सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। निरस्तीकरण की कार्रवाई भी सर की जा सकती है? लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी क्या? अब वो जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा आगे क्या करना है। जैसा अस्पताल पूरी तरीके से खाली करवा दिया, अस्पताल पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, अस्पताल की समस्त सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। जैसा कि 22 लोगों की मौत का मामला है, क्या मानते हैं आप इस तरीके की जो वीडियो वायरल हुई है, स्वयं मैपगल किया गया है, क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्या मानते हैं इसको आप? किसी भी मामले में जांच बहुत आवश्यक है और जांच कमेटी का गठन इसमें किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सर निरीक्षण भी आप लोगों के द्वारा किया गया, क्या कोई आपत्तिजनक चीज वस्तु ऐसी मिली अस्पताल में, कुछ ऐसा कुछ? मरीज सारे जा चुके थे, हमको तो अस्पताल सील करना था, अंदर कोई मरीज तो नहीं है, उसका अटेंडेंट तो नहीं है या कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है जो सीलिंग के कारण अंदर रह जाए, तो वो सारा देखने के बाद अस्पताल सील कर दिया गया। तो इस तरह से आगरा के पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई अस्पताल के खिलाफ की गई है 5 मिनट में 22 मौतों के वायरल वीडियो के सामने आने के बाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।